नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ है आज, उसके आंसर की लेकर आया हूँ मैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा कि आपने 80 में से कितना स्कोर किया है, मतलब आपको 80 में से कितने नंबर बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर काफ़ी अच्छा था, ये आसान पेपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो देखो, पहले तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आपने पढ़े होंगे अच्छी तरह से। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय हैं, तो खंड जो अ है सेक्शन ए में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पहले के पहला देखो, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो पहले में जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी होगा, तो पहले का राइट आंसर आपके स आ जाएगा। दूसरे में देखो, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द होगा, एक नए युग का सूत्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है उसमें निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके ब हो जाएगा, वी एस नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देखो, चार नंबर में झूम खेती क्या है? तो झूम खेती आपके स्थानांतरित कृषि है, जिसको जंगलों को जलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। पांचवा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? देखो, ये वाला आपके साइंस में भी था, ठीक है ना। तो ये सरदार सरोवर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर है, स ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला है, रबी फसलें फसलों का युग्म है? तो रबी फसलों का युग्म है गेहूं और जौ, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। तो ये आपको मिलाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने कौन कौन से प्रश्न इसमें से सही किए हैं। देखो, अगला है आपके, अगला जो प्रश्न है वो है बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बच्चों, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, तो इसमें द वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है देखो, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की सूची में नहीं है? तो शक्ति वितरण की सूची में व्यापार नहीं है, तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी बच्चे इससे मिलान कर सके। अब देखो, नवा जो प्रश्न है उसमें लिखा है, बॉम से संगठन का संबंध है, इस संगठन का जो संबंध है वो आपके सरकारी कर्मचारियों से है, तो इसका मतलब स ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। दसवा देखो, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो अ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां जो है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है, तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय उद्योग होगा, तो इसका अ ऑप्शन राइट है। अगला देखो, 12वां जो प्रश्न है उसमें निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो सबको पता होना चाहिए कि सबसे सस्ते सामान चाइना के मिलते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके ब हो जाएगा। तो देखो, ये आपके पहले के सभी क्वेश्चनों के आंसर थे। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आपके जो पहला है, देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना आप। पहला जो है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को निगम कहा जाता है। तो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होता वो होता बहुराष्ट्रीय इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दूसरा देखो, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा जैव संसाधन, ठीक है, संसाधन हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा जैव संसाधन। अब देखो तीसरा है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इसमें कहलाता है धर्म निरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, किस देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय पर निर्भर करती है, तो इसमें आ जाएगा नागरिकों, नागरिकों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो, छः नंबर में तीव्र उन्नति में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो इसमें आ जाएगा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, इसमें आ जाएगा आपका आंसर प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या तीन में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, एक शब्द दिया एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है। तो पहला देखो, मारी आन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई थी, तो बच्चों राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए, इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए ये लगाई गई थी, ठीक है। अब अगला देखो, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था, तो ये बीमारी का नाम था रीडर पेस्ट, रीडर पेस्ट, बीमारी का नाम क्या था, रीडर पेस्ट, ठीक है ना, रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी जिसने मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था, ठीक है। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया था, ये सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए, तो आप इसमें तो सबने सही किया होगा, क्योंकि वनों से तो लकड़ी मिलती है, गोंद मिलता है, कोई भी लिख सकते थे, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं। अगला देखो, टांका क्या है, तो बच्चों टांका क्या है, राजस्थान में जल संग्रहण की विधि है, राजस्थान में जल संग्रहण की पद्धति है टांका, तो इसमें लिखना था राजस्थान में जल संग्रहण की पद्धति, जल संग्रहण की पद्धति, ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखो, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम, तो एक तो है कपास और एक है सन, एक तो आपको लिखनी है कपास और एक लिखनी है सन, है ना, और भी लिख सकते थे, एक तो कपास लिख देते हैं, कपास सबको याद होगी, और एक सन, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर था। अगला है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1948, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया, तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और एक हिंदी करके हमारे संविधान में 22 हैं टोटल, तो हिंदी के अलावा 21, इसका राइट आंसर आपके हो जाता। अगला देखो, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण बताइए, किसी आंदोलन का राजनीतिक दल के रूप में बदलने का एक उदाहरण है असम के विद्यार्थियों का आंदोलन, असम के विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, असम के विद्यार्थियों का आंदोलन वो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था, राजनीतिक दल में बदल गया था, तो यहाँ लिखना असम के विद्यार्थियों का आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो धारणीय विकास क्या था बच्चों, कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका इस तरह से उपयोग करना कि वो इस पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। अगला देखो, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है,
तो भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक नियोजित हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता प्राथमिक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखो, रेन बेक्सी कंपनी का उत्पादन करती है, तो ये जो कंपनी है दवा उत्पादन करती है, दवा का उत्पादन करती है, यानी कि दवा कंपनी है तो दवा का उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्नों के आंसर थे आपके। अगला देखो, रूढ़िवादी क्या है? तो रूढ़िवादी एक विचारधारा है जो पुरानी विचारधारा की समर्थक है, एक विचारधारा है जो पुरानी विचारधारा के समर्थक है। देखो पांचवा है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? तो देखो वहाँ एक तो प्लेग यानी कि महामारी आ गई थी, अंग्रेजों ने लगान भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, ऐसे कुछ लिखना था आपको। आयात शुल्क क्या है? तो आयात शुल्क क्या होता है कि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, उसे हम आयात शुल्क कहते हैं। तो इन प्रश्नों के कुछ आंसर आपको बाद में मिलेंगे, तो आप देख सकते हो पेपर बहुत ही आसान था। गैर नवीनीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कोई दो गतिविधियों के उदाहरण, स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं। बहुत अच्छा पेपर आपके आया था, पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये प्रश्न बताऊंगा, प्रश्न नंबर 23 मानचित्र आपको कैसे भरना था और कहाँ कहाँ पर ये भरने थे। 23वां प्रश्न में थोड़ी देर बाद में आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, मानचित्र में भर के मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।